Hi everyone, this is Atiya Zainab and today I am going to discuss phrasal verbs for class 12th ISC board. Class 12th ISC board में phrasal verbs कैसे पूछी जाती है इस पर मैंने already video बना रखी है जिसमें मैंने class 12th ISC board paper pattern को discuss किया था. इसके अलावा दो और videos मैंने केवल phrasal verbs पे बनाई थी जिसमें मैंने कई सारी phrasal verbs को cover करवाया था. लेकिन phrasal verbs class 12th ISC board students के लिए एक ऐसा टॉपिक है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. आपको 30-40 phrasal verbs पे कमांड ने बहुत अच्छे से आता है तब भी मैं यही कहूँगी कि आपके लिए कम है. आपको अपने बुक की ज़्यादातर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं phrasal verbs की सब लगानी है. ओके, तो phrasal verb जितना ज़्यादा हो सके पढ़िएगा क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस एक्शन की किस वर्ब की phrasal verb हमसे पूछी जाएगी. और अगर आप पिछले साल के पेपर्स को उठा के भी देखिएगा तो रिपीटेड नहीं होती हैं, नई नई phrasal verbs आती हैं आपकी. तो माई पॉइंट इज़ दिस कि जितना phrasal verbs पे आपको कमांड होगा उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे. तो आज मिस शाहीन के कहने पर मैं दोबारा से phrasal verbs की वीडियो लेके आई हूँ. लेट स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस हियर इज ही इज एन ऑनेस्ट मैन ही लिव्स डैश ऑनेस्ट वर्क. सही आंसर होगा लिव्स बाय. लिव बाय का मतलब होता है टू बिहेव अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ बिलीफ. आपका कोई भी बिलीफ है यानी कि आप किसी चीज़ को मानते हो, किसी यू नो आप ऑनेस्टी को मानते हो, आप फेथ को मानते हो या किसी और चीज़ को, तो उसके अकॉर्डिंग जीना, ऐसा बिहेव करना, उसके लिए यूज़ होता है लिव बाय. तो यहाँ जो सेंटेंस है उसका मीनिंग है कि वो एक ऑनेस्ट मैन है और वो हमेशा ईमानदारी के साथ जीता है. ओके, सो लिव बाय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज सम बर्ड्स लिव ऑन इंसेक्ट्स. लिव ऑन समथिंग फ्रेजल वर्ब जो होता है उसके दो मीनिंग्स होते हैं. यहाँ जो मीनिंग निकल रहा है उसका मतलब है कि टू डिपेंड ऑन मेन फूड ऑफ समवन. यानी अगर कोई इंसान कोई एक ही चीज़ खाता है, उसका वही फूड है, उसी पर डिपेंड रहता है, तो उसको कहा जाएगा लिव ऑन. जैसे कि यहाँ सेंटेंस है सम बर्ड्स, कुछ जो बर्ड्स होती हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स पर. यानी वो इंसेक्ट ही खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते. उनका जो मेन फूड होता है वो इंसेक्ट्स होता है. तो लिव ऑन समथिंग ये मतलब हुआ आपका. ओके, यानी कि टू डिपेंड ऑन सम मेन फूड और सम पर्टिकुलर वन फूड. फाइन. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कॉज के ऊपर है. देखिए ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉज के साथ ऑफ कब लगाओगे आप और कॉज के साथ फॉर कब लगाओगे. ओके, जब आपको कॉज के पहले बी की बी की कोई भी फॉर्म दिखेगी, इज कॉज, वॉज कॉज, वर कॉज, विल बी करके कोई भी आपको बी की फॉर्म्स मिलेगी कॉज के पहले, तो आप ऑफ लगाओगे. यहाँ पे लिखा है हिज रॉन्ग जजमेंट इज द कॉज, तो आप लगाओगे ऑफ. लेकिन अगर आपको कोई बी फॉर्म नहीं मिल रही है, सीधे सेकेंड फॉर्म आ रही है, ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ ही गेव, गेव इज अ सेकेंड फॉर्म. फाइन. सो ही गेव नो कॉज, फिर आप ऑफ नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे. ये मेन तरीका है पहचानने का कि कहाँ आप कॉज ऑफ लगाओगे, कहाँ कॉज फॉर. वरना कोई, जैसे कि हमें पता है कि ब्रेक ऑफ अलग होता है, ब्रेक इन टू अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कॉज ऑफ का मीनिंग कुछ और होता है, कॉज फॉर का मीनिंग कुछ और होता है. नो, नॉट एट ऑल. दोनों का मीनिंग होता है कारण या वजह या रीजन. तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ आप ऑफ लगाओगे, कहाँ फॉर लगाओगे. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रिलेटेड टू लुक. फर्स्ट इज लुक फॉरवर्ड टू. ये पूरा फ्रेजल वर्ब होता है लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद टी ओ टू लगता है. ओके, कभी कभी लुक फॉरवर्ड दिया होगा तो आपको आगे फील करने को आएगा, तो आप टू फील करोगे. लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विथ प्लेजर, किसी का इंतजार करना, किसी का रास्ता देखना बड़े खुशी के साथ, दैट इज कॉल्ड लुक फॉरवर्ड टू. यहाँ लिखा हुआ है द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज सन्स विजिट. बूढ़ा इंसान जो है वो अपने बेटे के मिलने का बहुत ही अच्छे से इंतजार कर रहा है. ओके, नेक्स्ट इज लुक आफ्टर. तो सबको पता होगा लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रिलेटेड टू गिव. फर्स्ट इज गिव अप. गिव अप का मतलब होता है कोशिश करना बंद कर देना, ये एक्सेप्ट कर लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते हो. ओके, उसे कहते हैं गिव अप. यहाँ जो सेंटेंसेस में लिखा है आई हैड टू गिव अप हाफ वे थ्रू द रेस बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड. हाफ वे मतलब आधे रास्ते से. मैंने जो रेस मैं कर रहा था उसमें मैं आधे रास्ते से गिव अप कर दिया, यानी कोशिश करना ही बंद कर दी, दौड़ना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं बहुत थक गया था. गिव अप मतलब टू स्टॉप ट्राइंग, ये मान लेना कि अब आगे आप नहीं कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज गिवन. गिवन का मतलब होता है लड़ाई करना, फाइट करना या बहस करना बंद कर देना, यानी अपने हार को मान लेना. देखिए गिव अप और गिव इन में डिफरेंस है. गिव अप का मतलब होता है कोशिश करना बंद कर देना. ओके, हार नहीं मान लेना, कोशिश करना बंद कर देना गिव अप का मीनिंग होता है. ये एक्सेप्ट करना कि अब आप आगे नहीं कर सकते हो. लेकिन यहाँ जो गिव इन का मतलब होता है लड़ाई करना बंद कर देना और सीधे सीधे हार मान लेना. तो यहाँ जो सेंटेंस है वो लिखा है द गवर्नमेंट कैन नॉट गिव इन टू द टेररिस्ट डिमांड. गवर्नमेंट
डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करेगी टेररिस्ट की डिमांड पर, उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेगी यानी हार नहीं मानेगी, ये मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रिलेटेड टू पुट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है अवे या दूर, पुट ऑफ का मतलब होता है रिमूव, यानी कि दूर कर दो। क्या दूर कर दो? शूज। तो शूज निकालने को, शूज उतारने को बोलते हैं पुट ऑफ। नेक्स्ट इज पुट आउट। ये जो पुट आउट फ्रेजल वर्ब है ये मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। पुट आउट का मतलब होता है टू फील एम्बैरेसमेंट और फील ऑफेंडेड। फाइन, यानी शी इज पुट आउट एज शी वॉज नॉट इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन। उसको बड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुआ क्योंकि उसको फंक्शन में इन्वाइट नहीं किया गया था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रिलेटेड टू पुट। पुट ऑन के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी ज्वेलरी या कोई कपड़ा जो पहनते हैं हम लोग, उसे कहा जाता है पुट ऑन। एग्जांपल देख सकते हैं आप, जूली हैड पुट ऑन अ कॉटन ड्रेस। जूली ने कॉटन ड्रेस पहन रखी थी। ओके, सो पुट ऑन का जो पहला मीनिंग निकलता है वो होता है पहनने के लिए, चाहे वो ज्वेलरी कैरी करना हो उसके लिए भी आप पुट ऑन कह सकते हैं। पुट ऑन का दूसरा जो यूज़ है वो स्विच ऑन के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्विच ऑन द लाइट बोलते हैं तो वहाँ पे आप पुट द लाइट ऑन भी बोल सकते हो। तो दूसरा मीनिंग हो गया स्विच ऑन। तीसरा जो सेंस होता है पुट ऑन को यूज़ करने का वो होता है टू बिहेव डिसेप्टिवली। जब कभी हम फेक लुक या फेक एक्सप्रेशन रखते हैं उसे बोला जाता है। ज़रूरी नहीं है फेक, आप किसी वजह से किसी मकसद से आप उस एक्सप्रेशन को या लुक को या एक्सेंट को अज्यूम करे हो तो उसको भी बोला जाता है पुट ऑन। पुट ऑन के कई सारे मीनिंग्स होते हैं लेकिन मैंने आपको ओनली 3 मीनिंग्स बताए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मीनिंग निकल रहा है। शी पुट्स ऑन एन आर्टिफिशियल एक्सेंट टू इम्प्रेस अदर्स। यहाँ मतलब निकल रहा है टू बिहेव डिसेप्टिवली, यानी वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक फेक एक्सेंट को, एक नकली एक्सेंट को अज्यूम करती है। यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है पुट ऑन का टू बिहेव डिसेप्टिवली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट अप। देखिए पुट अप के भी कई सारे मीनिंग्स होते हैं लेकिन पुट अप के बीच में जब कोई भी प्रोनाउन आ जाता है जैसे कि पुट हिम अप, यानी कुल मिला के पुट समथिंग अप, पुट समबडी अप का एक मीनिंग होता है। जो मीनिंग ये होता है कि टू अकोमोडेट समवन टेम्प्रेरीली, यानी किसी को टेम्प्रेरी तौर पर कोई रूम प्रोवाइड कराना, ओके, उसे कहा जाता है पुट समवन अप। तो यहाँ जो सेंटेंस है उसमें लिखा है वेयर डिड दे पुट यू अप फॉर द नाइट, मतलब उन्होंने तुम्हें रात में कहाँ ठहराया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रिलेटेड टू कम एंड यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो है कम अप। कम अप का मतलब होता है किसी विषय का चर्चा होना। कम अप के भी 2 मीनिंग्स हैं लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है वो सेकेंड वाला निकल रहा है, किसी सब्जेक्ट पर चर्चा होना। तो सेंटेंस ये है यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन केम अप इन द लोकसभा लास्ट वीक, यानी ये जो क्वेश्चन है लास्ट वीक लोकसभा में उठा, इस पर चर्चा हुई, इस पर डिस्कशन हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ कम अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अबाउट, जो मैं पहली वीडियो में भी कवर कर चुकी हूँ। उसका मतलब होता है हैपन, घटित होना। हाउ डिड दीज थिंग्स कम अबाउट, ये सारी चीज़ें कैसे हुई। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बियर डाउन। बियर डाउन के भी 2 मीनिंग्स होते हैं। दे वर एबल टू बियर डाउन ऑल अपोजिशन। यहाँ पे जो बियर डाउन का मीनिंग निकल रहा है वो है थ्रेटन, डराना, धमकाना। देखिए आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यानी जब कभी कोई इंसान आगे की तरफ आपकी तरफ बढ़ता है जस्ट टू थ्रेटन यू, आपको धमकाने के लिए, उसे बोला जाता है बियर डाउन। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो भी आप समझ लीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ हाफ अ डजन मैन, यानी कि आधे दर्जन लोग पब में एंटर हुए और वहाँ पे लोगों को धमकाया वमकाया, उसके लिए इंग्लिश होती है बियर डाउन। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो है कि दे मतलब वो कोई लोग हैं, वो लोग अपने ऑपोजिशन को धमकाने में कामयाब रहे। फाइन, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज बियर अप। दे कुड नॉट बियर अप हर वॉयलेंट टेम्पर। बियर अप का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन जब कभी भी हमारे लाइफ में आती है तो उसमें हम लोगों को अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ता है। तो अपने को स्ट्रांग रखना कब, डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसे कहा जाता है बियर अप। तो इस सेंटेंस में कौन सी डिफिकल्ट सिचुएशन की बात हो रही है जिसमें दे कुड नॉट बियर अप, मतलब कि वो लोग अपने को स्ट्रांग नहीं रख पाए। तो बात हो रही है वॉयलेंट टेम्पर, मतलब कोई लड़की है उसका गुस्सा बहुत ही भयंकर था लेकिन वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने को इतना स्ट्रांग नहीं रख पाए कि उसको बर्दाश्त कर पाते, तो वही मीनिंग निकल रहा है। दे कुड नॉट बियर अप हर वॉयलेंट टेम्पर, उसके भयंकर गुस्से को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी कि अपने को स्ट्रांग नहीं रख पाए उसको फेस करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग डाउन। स्मॉल इनकम ब्रिंग्स डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ समथिंग ब्रिंग्स डाउन समथिंग, अगर कोई चीज़ किसी को ब्रिंग डाउन कर रही है इसका मतलब उसका पावर को कम कर रही है। फाइन, कॉज समवन टू लूज पावर। अब यहाँ मीनिंग समझिएगा कि अगर इनकम कैसी हो, स्मॉल हो, कम इनकम हो, तो वो जीने का जो तरीका होता है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उसको क्या कर देती है, उसको कम कर देती है, उसके पावर को कम कर देती है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा बहुत ही नीचा हो जाएगा अगर इनकम कैसी रहेगी, कम रहेगी। तो टू कॉज समथिंग लेट डाउन, टू कॉज समथिंग यू नो लूज पावर, उसको कहा जाता है ब्रिंग डाउन। फाइन, और ब्रिंग डाउन का एक और मीनिंग होता है टू मेक समवन डिप्रेस, किसी को दुखी कर देना, उसको भी कहा जाता है ब्रिंग डाउन।
नेक्स्ट फैजल वापस ब्रिंग अप का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ ब्रॉट अप। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है अपनी कस्टडी में किसी को बड़ा करना, अपनी केयर के जरिए या उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसे कहा जाता है ब्रिंग अप। यहाँ पे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग है कि ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंटी, यानी कि उसको किसने बड़ा किया, उसकी किसने केयर करी, एजुकेशन दिलाई, उसकी आंटी ने। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज टीचर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। कॉल फॉर का मतलब होता है जब पब्लिकली आपसे कोई चीज़ डिमांड करी जाती, किसी को एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है आपसे, ताकि आप पब्लिकली सबके सामने बोल पाओ जो आपने किया है उसके प्रति। ओके, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कॉल फॉर समथिंग। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है द टीचर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। कंडक्ट मतलब बिहेवियर, यानी कोई बच्चे से कोई मिस्टेक वगैरह हो गई होगी तो उसके बिहेवियर के लिए टीचर ने उससे एक एक्सप्लेनेशन मांगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। लास्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल हो जाना, किसी इवेंट का या किसी अग्रीमेंट का कैंसिल हो जाने के लिए यूज़ किया जाता है कॉल ऑफ। तो यहाँ पे सेंटेंस है द स्ट्राइक वॉज कॉल ऑफ, स्ट्राइक को क्या करा, कैंसिल कर दिया गया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।